मंडल भाजपा धर्मशाला ने त्रिगत सम्मेलन में चुनावी हुंकार भर दी है। सम्मेलन का आयोजन गत दिवस सामुदायिक भवन कोतवाली बाजार में किया गया। सम्मेलन में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भगवा छाते बांटकर सम्मानित किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के राज में भ्रष्टाचार और गुंडाराज व्याप्त है। प्रदेश भर में आतंक का माहौल है। महिलाएं व बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है, लेकिन सरकार इस सबसे अनजान बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से धर्मशाला के कार्यकर्ताओं ने चुनावी हुंकार भर दी है तथा कार्यकर्ता चुनावों और भारत नवनिर्माण के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो 50 प्लस का लक्ष्य निर्धारित किया था, अब 50 प्लस नहीं बल्कि 60 प्लस होगा। प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो जाएगा। कपूर ने कहा कि सम्मेलन से पहले मंडल में अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चलाया गया था। कार्यकर्ताओं ने लोगों को पार्टी से जोड़ने में काफी मेहनत की है, जिसके चलते उन्हें सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में विभिन्न बूथों से पहुंचे कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में जो भी जनविरोधी निर्णय लिए हैं, उसका हिसाब कांग्रेस को चुनावों में मजदूर, किसान, कर्मचारी व उपेक्षित वर्ग को देना होगा। भगवान छाया के छापे का नाम है भगवान छाया। ये भ्रष्टाचार, गुंडाराज और जो कांग्रेस का आतंक है, पूरे प्रदेश में आज आतंक का वातावरण है। कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कार्यकर्ता आज यहां से हुंकार भरेंगे और भारत नव निर्माण में और हिमाचल में जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें जो हमारी पार्टी ने 50 प्लस का निर्णय लिया है, 50 नहीं हम 60 प्लस होंगे, इस भावना को लेकर यहां से आज निकलेंगे और चुनावों के लिए आज से तैयारी हम यहां से करेंगे। इसी उपलक्ष्य में आज हमने कार्यकर्ता सम्मान समारोह, यहां कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा और ये छाता जो है ये एक संदेश होगा पूरे धर्मशाला चुनाव। इस अवसर पर मंडल भाजपा अध्यक्ष कैप्टन रमेश अटवाल सहित मंडल भाजपा के विभिन्न मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।